अब बारी है आज के अचूक महाउपाय की। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। पिछले सप्ताह हमने आपको लगातार सास बहू के झगड़े को समाप्त करने के लिए, सास बहू के तनाव और क्लेश को दूर करने के लिए वास्तु से संबंधित दो एपिसोड्स में उपाय बताए। जनता ने लगातार मांग की कि हम और भी कुछ आपको इसी तथ्य से जुड़े हुए कुछ और भी उपाय उपलब्ध कराएं, इसी विषय से संबंधित कुछ तथ्य उपलब्ध कराएं। तो आज मैं आपको सास बहू के क्लेश को दूर करने के लिए, परिवार में शांति सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए और इसको अपने जीवन में अमल में लाइए। ये एक ऐसा विषय है कि हर घर की कहानी है, आप माने या ना माने, हर परिवार में ऐसी स्थिति आती है, चाहे वो परिवार बहुत संपन्न हो या फिर वो बहुत ही लोग कमजोर हो, बहुत सामर्थ्य ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी सास बहू में झगड़े हमेशा होते रहते हैं। इसका कारण बहुत सामान्य सा है, दोनों की ऊर्जाएं आपस में नहीं मिलती। उन दोनों सास और बहुओं की ऊर्जा के बीच में तालमेल बिठाने का जो काम है वो वास्तु के माध्यम से कर सकते हैं, वो ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के प्रयास में हम लगातार बने हुए हैं। इधर बीच मीडिया में काफी दिनों से कुछ खबरें आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन जी का भी परिवार इस सास बहू के झगड़े से बचा नहीं है। ऐश्वर्या और जया बच्चन जी के बीच में भी आपस में तनाव शुरू हो गया है। तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, संपन्नता की कमी नहीं है, लेकिन आपसी जो ऊर्जा है वो निश्चित तौर पर आपस में वैमनस्य का वातावरण बनाती है। तो इस ऊर्जा को कैसे शुभ किया जाए इससे संबंधित उपाय मैं बता रहा हूं आपको। बहुत सरल सरल से उपाय बताता हूं, इसको जीवन में प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। आपको करना यह है कि गाय के गोबर का आपको एक दिया बनाना है। इस दिए को आप सुखा लीजिए अच्छे तरीके से, दिए का एक शेप दे दीजिए गोबर को और उसको फिर आप अच्छे से सुखा लें। और जब आप उसको सुखा लें तो उसमें तिल का तेल और एक टुकड़ा गुड़ डाल करके इसको आपको दीपक जलाना है। और ये जो दीपक है इसको आपको रात के समय में घर के मुख्य द्वार के मध्य में रखना है, यानी आपके मेन एंट्रेंस के बीच में इस दीपक को बाहर की तरफ रख करके छोड़ देना है। ये उपाय आपको मंगलवार की रात में करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो इससे आपके घर में सुख शांति बनेगी और घर के अंदर की जो नकारात्मकता है वह नकारात्मकता दूर होकर के समृद्धि की प्राप्ति होगी। सास बहू के अंदर जो नकारात्मकता एक दूसरे को लेकर के आ गई है, जो एक दुर्भावना आ गई है, उस दुर्भावना को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। एक सूखा नारियल यानी जिसे गरी गोला कहते हैं, जो मेवे के तौर पर भी यूज होता है, उसको लेकर के उस पर आप काला धागा लपेट दें, फिर इसे पूजा स्थान में आप रखें और शाम को उस नारियल को धागा सहित आपको जला देना है। ये टोटका मंगलवार से आरंभ करके 9 दिन तक आपको ये उपाय करना है। बहुत सरल सा उपाय है, थोड़े से काले धागे ले लेने हैं, एक आपको गरी गोला वाला या सूखा नारियल ले लेना है, उस पे आपको ये धागा लपेट लेना है। प्रयास करना चाहिए कि आप कम से कम 9 बार उस धागे को लपेट लें और अपने पूजा स्थान में रखें। जब आप पूजा स्थान में रखें तो आप इस प्रार्थना, इस विनती के साथ रखें कि हमारे घर की जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाए, हमारे परिवार में सामंजस्य स्थापित हो, खासतौर पर सास बहू के बीच में प्रेम उत्पन्न हो। और फिर उसके बाद धागे सहित इस नारियल को आपको जला देना है। जलाने के लिए यदि आप इसको घर से बाहर ले जाकर के किसी एकांत जगह पे जलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो जब आप जलाएंगे घर के अंदर जलाएंगे तो शायद वो नकारात्मकता घर के अंदर रह सकती है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि जलाने के लिए आप घर से बाहर ले जाएं। मंगलवार के दिन से आरंभ करें और लगातार 9 दिन तक करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। घर में तुलसी का पौधा लगाया जाना चाहिए तथा प्रतिदिन इनका नियम से पूजन अर्चन किया जाना चाहिए। संध्या काल के समय में और रोज सुबह स्नान के बाद, यानी सुबह और शाम वहां पर आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक लगाना है, देसी घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सदैव शांति का वातावरण रहता है और अच्छे संस्कार आते हैं, लड़ाई झगड़े और क्लेश का वातावरण दूर हो जाता है। अगर घर में सदैव अशांति रहती है तो घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर श्वेतार्क गणेश अर्थात सफेद आग के गणेश को अगर आप घर में लगाते हैं प्रवेश द्वार पर तो इससे सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि आपको ऐसा अनुभव होता है कि किसी बुरी शक्ति के कारण घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं तो जो उपाय अब बता रहा हूं इसको आप अवश्य करिए। प्रतिदिन सुबह घर में गोमूत्र अथवा गाय के दूध में गंगाजल मिलाकर के यदि आप छिड़काव करते हैं, इससे शांति करते, जिसे मार्जन करना कहा जाता है,
यदि गोमूत्र ले लीजिए या फिर सिर्फ गोमूत्र से कर लें, या अगर गोमूत्र मिल पाना संभव नहीं तो कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भी आप शुद्धि कर सकते हैं, मार्जन कर सकते हैं। और ये काम नियमित किया जाना चाहिए, कम से कम 45 दिन नियमित करें तो जो भी बुरी शक्तियों का प्रभाव है वो कम हो जाता है। घर में किसी भी तीर्थ का जल यदि आप रखते हैं तो उससे भी आपके घर के जो दोष हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है वह शांत होती है और उससे आपस में प्रेम भाव उत्पन्न होता है। आपको घर में प्रयास ऐसा करना चाहिए, खासतौर पर अपने किचन में, कि घर के बर्तन गिरने और टकराने की आवाज जो है वो कम से कम आए। जब भी आप कोई काम किचन में भी करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यवहार ऐसा इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि बर्तन आपस में लड़े नहीं, उसके चलते जो है वो जो एक नकारात्मकता या जो कर्कशता वाली आवाज है वो पूरे घर के वातावरण को खराब ना करें। हमेशा प्रयास करें कि आप अपने घर को सुंदर सजा करके सुसज्जित रखें, जितना डेकोरेटिव रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपके मन में उतनी पॉजिटिविटी आती रहेगी। बहू को चाहिए कि सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगा करके कचरे को घर के बाहर फेंक दे। ये पुराना नियम था, आज के समय में ये नियम कहीं छूट सा गया है, शायद इस कारण से भी बहुत ज्यादा आपस में तनाव की स्थिति रहती है। घर में नमक के पानी का पोछा लगाया जाना चाहिए, ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अपने परिवार के पितरों के प्रति आपको हमेशा कृतज्ञता अर्पित करती रहनी चाहिए, परिवार के पितरों का नियमित आप पूजन अर्चन करें तो फायदा मिलेगा। प्रतिदिन भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के नाम से, गाय के निमित्त, एवं आखिरी रोटी जो है वह कुत्ते के निमित्त यदि आप निकालते हैं, इनको ग्रास कहा जाता है, गौ ग्रास, अगर आप निकालते हैं पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी जो है वो कुत्ते के लिए, तो फायदा मिलता है। अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं ये बहुत आवश्यक है। ओम शांति और शांतम पापम, ये दो अलग अलग मंत्र हैं, ओम शांति और शांतम पापम। अगर किसी भी एक व्यक्ति को घर में, परिवार में बहुत ज्यादा गुस्सा और क्रोध की स्थिति रहती है तो आपको कोई भी एक व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है, ओम शांति और शांतम पापम, इन दोनों मंत्रों का जाप बहुत अच्छा फायदा देता है। और यदि नियम से संकल्प लेकर के सास बहु इस दोनों मंत्रों का 21 दिन तक लगातार 11-11 माला जाप करते रहें तो आप निश्चित स्वयं अपने अंदर व्यवहार में बदलाव देखेंगे। आपके अंदर जो क्रोध और उत्तेजना की स्थिति थी, जो बार बार गुस्सा आता था जिसके चलते आपका झगड़ा आपकी सास से या आपकी बहू से हो जाता था, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपने अपने अंदर बहुत बदलाव, बहुत परिवर्तन कर लिया है और आपका झगड़ा वाला जो स्वभाव था वो कहीं खो सा गया है। रोटी बनाते समय तवा जब आप गर्म करते हैं तो तवा गर्म होने पर पहले उस पर ठंडे पानी की कुछ छींटे डाल लें और फिर उसके बाद यदि आप रोटी बनाना आरंभ करेंगे तो आपस का जो तनाव का वातावरण रहता है, जो क्लेश की परिस्थिति परिवार में रहती है, वह निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय थे। हमारा ये प्रयास है कि आपके परिवार में सामंजस्य और शांति स्थापित हो और माँ लक्ष्मी उसी घर में, उसी परिवार में निवास करती हैं जहाँ शांति और सामंजस्य का वातावरण रहता है, सुख समृद्धि वहीं आती है। तो इसी उपाय के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। इसके साथ ही आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। फिलहाल मुझे इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। Thank you.